भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर वैक्सीनेशन सेंटर के उद्घाटन में पहुंचे कई कांग्रेसी दिग्गज नेता। जी आपको बता दें कि शुक्रवार 21 मई को मुंबई के चेंबूर में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी या मुंबई कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी जी के 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां पर 10 लाख फेस मास्क का मुफ्त वितरण भी किया गया। यह कार्यक्रम चेंबूर के ग्रैंड नालंदा हॉल में कांग्रेस के नेता चंद्रकांत हंडोरे द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नाना पटोले अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री बाला साहेब थोरात, कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप नसीम खान, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी चरण सिंह स्प्रा, कार्याध्यक्ष मुंबई कांग्रेस चंद्रकांत हंडोरे, पूर्व मंत्री एवं कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी व प्रभारी मुंबई कांग्रेस सहित भारी संख्या में पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। माजी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत के दिन है और आज 30वीं शहादत दिन हम मना रहे हैं और ऐसे समय में राजीव जी ने जो इस देश के लिए जो काम किया, जो बलिदान दिया, उनकी याद हम सब लोगों को और आने वाली पीढ़ी को पुनः जागृत हो और इसलिए हमने उनके इस शहादत दिन से जो आज राज्य में महामारी जो शुरू है, देश में शुरू है कोरोना की, उस महामारी में लोगों को बचाया कैसा जाए, उनको मदद कैसी की जाए, उसका आदेश हमारी नेता सोनिया जी गांधी, उनने एक टास्क फोर्स बनाया हमारे राष्ट्रीय नेता गुलाम नबी आज़ाद की अध्यक्षता में। उसमें हमारी नेता प्रियंका गांधी भी खुद है और उसके माध्यम से महाराष्ट्र में हम आज 10 लाख आज मास्क बांटने का हमने निर्णय लिया है। मुंबई साथ पूरे राज्य में मास्क बांटने का कार्यक्रम शुरू है। आने वाले एक हफ्ते 10 दिन तक हम लोग 60 लाख मास्क पूरे राज्य में बांटने का निर्धार किया है। आपने देखा होगा कि ये कोविड में कई लोगों को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से मृत्यु हुई और इसलिए हम लोग 120 एम्बुलेंस नहीं लेने का निर्णय लिया है और पूरे इक्विपमेंट के साथ वो एम्बुलेंस रहने वाली है। उसके माध्यम से जो भी पेशेंट है उसको मुफ्त उस सेवा देने का भी एक निर्णय हमने किया है। पहले भी 200-250 एम्बुलेंस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऑलरेडी महाराष्ट्र में काम कर रही है। तीसरा, जो कोविड के पेशेंट के साथ जो उनके रिश्तेदार आते हैं, उनको रहने को, खाने को सब प्रश्न खड़े होते हैं। कई जगह में हम लोगों ने, हमारे सेंटर चालू है, हमारे महिला कांग्रेस के माध्यम से भी भोजन सेंटर का काम शुरू है और उसको बढ़ाने का भी एक निर्णय हमने लिया है और इस तरह से कोविड पेशेंट को बचाना, कोविड ना बढ़े उसके लिए पूरा व्यवस्था बनाना, ये काम हम लोग आज से शुरू किया है। क्योंकि राजू जी ने इस देश को ऊंचाई पे ले जाने का काम किया, 21वीं शताब्दी की ओर ले जाने का काम किया। आज कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उस युग में हमारे देश के युवाओं को लेके गया और देश के लिए उनकी शहादत हुई और इसलिए ऐसे महान व्यक्ति और भारत रत्न राजीव गांधी के इस शहादत के दिन उनके विचार को आगे बढ़ाने का ये निर्णय हमारी नेता सोनिया जी गांधी के आदेश पे हम पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। भारत रत्न राजीव जी गांधी यांची 30वी पुण्यतिथी आज आहे। प्रथमतः मी त्यांना अभिवादन करतो। राजीवजी गांधी यांनी देशाच्या हिताचे अनेक निर्णय त्यांच्या काळामध्ये घेतले। विज्ञान तंत्रज्ञान यामध्ये भारत देश स्वयंपूर्ण व्हावा,
जगातली एक महासत्ता म्हणून भारताने पुढे यावं आणि या सगळ्या आधुनिक क्षेत्रामध्ये भारत देशाने जगामध्ये आपलं नाव कमवावं अशी त्यांची उत्कट इच्छा होती। दुर्दैवाने त्यांच्यावर काळाने ढाला घातला, आज ते आपल्यामध्ये नाही आहेत। प्रत्येक वर्षी त्यांची पुण्यतिथी वेगवेगळ्या माध्यमातून साजरी होते, यावेळेस पुण्यतिथी साजरी करत असताना कोरोना नावाच्या महाभयंकर महामारीने जगभर इतकं प्रचंड थैमान घातलेलं आहे की त्याच्यामध्ये लाखो लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत, वित्तहानी झाली, जगाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली, कारखाने बंद आहेत, आस्थापना बंद आहेत, जग वेटीस धरलं या कोरोनाने। आणि मग अशा वेळेस या पार्श्वभूमीवर राजीवजी गांधी यांची पुण्यतिथी येते आणि म्हणून मग आमच्या पक्षाने असा विचार केला की कोरोना काळामध्ये आपल्या पक्षाच्या वतीनं पुण्यतिथी साजरी करत असताना कोरोनावर कसं मात करता येईल, कोरोनाला कसं कंट्रोल करता येईल, यासाठी आपणाला काय उपाययोजना योजता येतील काय, याचा विचार ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीने केला आणि त्यांनी देशभर कोरोनाला कंट्रोल करणारी एकच गोष्ट असेल तर ती मास्क। मी आता घातलेलं नाही, मी आपली सॉरी मागतो बोलत असल्यामुळे, मी परत मास्क लावतो। आणि मग कोरोनामध्ये मास्क असेल तर थोडा कोरोना कंट्रोल होऊ शकतो हे जगातल्या शास्त्रज्ञांनी डॉक्टरांनी मान्य केलेलं आहे आणि म्हणून मास्क हा एक प्रभावी उपाय कोरोनावर असू शकतो आणि म्हणून पक्षानं असं ठरवलं की बाबा मास्क डिस्ट्रीब्युशन कार्यक्रम करावा। महाराष्ट्रामध्ये माननीय नाना पटोलेजी यांच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम आज चेंबूरमध्ये झाला। महाराष्ट्रभर लाखो मास्क वाटप या ठिकाणी करण्यात आलं आणि अशा पद्धतीनं हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचं काम काँग्रेस पक्षानं केलेलं आहे। सकाळी व्हॅक्सिनेशन सेंटरचं उद्घाटन झालं आणि जे काही लोक पक्ष सोडून गेले होते ते पुन्हा पक्षामध्ये आले, त्यांचंही स्वागत आलं, त्यांनाही पक्षप्रवेश देऊन या कोरोना महामारीमध्ये एक एक योद्धा आमच्या बरोबर असला पाहिजे या भावनेतनं त्यांचाही पक्षप्रवेश झाला आणि अशा पद्धतीनं हा कार्यक्रम झाला। नानाभाऊ पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली भाई जगताप, अशोक चव्हाणजी, बाळासाहेब थोरात, नसीम खान, मोठे मोठे काँग्रेस पक्षाचे दिग्गज नेते आज आले होते आणि महाराष्ट्रभर हा कार्यक्रम लाईव्ह होता। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये आमचे सगळे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्त्यांनी मास्क वाटपाचा कार्यक्रम, आरोग्यविषयक कार्यक्रम, ब्लड डोनेशनचा कार्यक्रम आणि इतर अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आणि त्याची सुरुवात आज मुंबईमध्ये चेंबूरमधून झाली।